दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। देश में फर्जी बम की धमकियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी हवाई यात्रा के दौरान बम की धमकी मिलती रहती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने संसद में जो आंकड़ा बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सरकार ने बताया है कि बीते दो सालों में 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकियां मिली हैं। क्या है ये पूरा मामला? भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ने 28 नवंबर को लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2022 से 14 नवंबर 2024 तक कुल 1148 फर्जी बम की धमकियां मिली हैं। धमकियां कॉल और मैसेजेस के द्वारा दी गई हैं। अकेले साल 2024 की अगर हम बात करें तो 11 महीनों के अंदर 999 बम की धमकियां मिली। इन धमकियों की वजह से हवाई उड़ान भरने में परेशानी हो रही है और यात्रियों को भी अपनी मंजिल पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बार धमकी आने के बाद पूरी जांच होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी होती है। क्या कार्रवाई हुई इन फर्जी बम की धमकियों को लेकर? सरकार ने यह भी बताया कि कार्रवाई क्या हुई। ऐसे मामलों में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 265 FIR और 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। 14 अक्टूबर और 14 नवंबर 2024 के बीच 163 FIR दर्ज हुई हैं, जो कि एक तरह की बढ़ोतरी है। सरकार कर रही कानून में बदलाव पर विचार। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का विचार है कि इस मामले से जुड़े कानूनों में बदलाव किया जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार विमान सुरक्षा नियम 2023 में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फर्जी बम की धमकी देने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार सुरक्षा संबंधी उपायों की समीक्षा कर रही है और उसे लगातार मजबूत कर रही है। तो विमानों को मिल रही लगातार बम की धमकियों को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।